ने ये धागा यूज किया। और दोस्तों आप मेरे पीछे जो प्लॉट देख रहे हो ये दूधी का प्लॉट, आप घोड़ी देख रहे हो, एक घोड़ी से दूसरी घोड़ी की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो अपने 15 फीट। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल MSK फार्म्स पे। मैं आपका दोस्त मानवेंद्र सिंह, जो आपको मैं आज लौकी की खेती के बारे में दोस्तों जानकारी दूंगा। दोस्तों आप मेरे पीछे जो प्लॉट देख रहे हो ये दूधी का प्लॉट है मेरा, इसको अपने स्ट्रक्चर बासनुमा पे खेती की है इसकी पूरी जानकारी देंगे आपको। इसमें 12 गेज का अपन ने ये वायर यूज किया है दोस्तों, और अपन ने धागा भी यूज किया। ये देखो धागा, तो दोस्तों जो पौधे छोटे हैं इनको बांध के अपन ने ये धागा यूज किया, और जो पौधे बड़े हैं उनको अपन ऐसे ही यूं फैलाया है, जिसमें इनमें फूल भी आ चुके हैं, ये देख लो आप। और दोस्तों ये खेती अपनी आज 35 दिन की हो चुकी है। 35 दिन में कुछ जगह दूधी भी लग चुकी है दोस्तों, जो आप देख सकते हो। ये देखो दूधी, ये दूधी है, ये दूधी है दोस्तों, ये दूधी है दोस्तों। इस चीज़ में इसका एक ये फ़ायदा है अपना, कि जो अपन इस बासनुमा पे खेती करते हैं बारिश के टाइम में, तो अपन को 90% तक जो फ्रूट्स होता है ये अपना ये पूरा मिलता है, 90% तक फ्रूट पूरा मिलता है। अगर ये की अगर लौकी नीचे होती तो अपन को 50% ही लौकी मिलती, पूरी लौकी नहीं मिलती। ये एक इस चीज़ का फ़ायदा रहता है दोस्तों, इसलिए बासनुमा पे ये हाईटेक खेती आप लोगों को करनी चाहिए। क्योंकि अभी मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा, आप देख लो ये जो पौधा था ये दूधी नीचे थी, तो इस पर देख लो दाग कितने हैं, और ये देखो बाद में ग्रोथ हुई है दोस्तों, इस पर एक भी दाग नहीं, एकदम क्लीन है। तो यही फ़र्क रहता है दोस्तों, ये नीचे थी, अभी अपन ने ऊपर लिया पौधे को, बाकी पौधा नीचे था, तो मिट्टी में था, फंगस लगती है, मिट्टी लगती है फिर पानी लगता है, तो उससे फंगस और अन्य बीमारी इसमें लगने की संभावना रहती है। और नीचे जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं वो भी इनको कुतर देते हैं, कुछ जानवर भी खा लेते हैं, तो अपना नुकसान ज़्यादा होता है। इसमें नुकसान होने की दोस्तों संभावना कम रहती है जो लौकी के अंदर। मैं आपको आगे जो अपनी ये 35 दिन की लौकी हो चुकी है दोस्तों, इसमें और मैं आपको जानकारी दूँगा। कहीं कहीं पर तो लौकी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ये देख लो दोस्तों, ये देखो लौकी तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इनमें अपन ने साइड जो फुटान होती है दोस्तों, डालियाँ टहनियाँ बोल सकते हो, क्योंकि अपन एक ही टहनी को ऊपर ले जा सकते हैं, साइड की सारी अपन ने काट दी है। देखो जो ये आपके सामने दिख रही है दूधी की डाल, इनको अपन नहीं रखेंगे, अपना एक ही रहेगा कि यहाँ से लगा के दोस्तों सीधा एक ही टहनी ऊपर जाए। ऊपर देखो इसका ये रहा मुँह, फेस सर्कल आप बोल सकते हो, ये रहा, इसके बाद ये ऊपर चली गई। उसके बाद इसकी अगर 10 फुटान भी या रूट्स फूटे तो अपना फायदा है, बट नीचे से एक ही जानी चाहिए सीधी, एक ही जाने से देखो ये सीधी जा रही है। आगे जितनी भी घिया लगेगा इसका प्रोडक्शन बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा। दोस्तों जो ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बताते हैं। जो बांस, तो बांस की लंबाई पूरी 400 फीट है, इस तरफ 200 फीट है दोस्तों, और इस तरफ वापस 200 फीट है, जो आपको पूरी दिख रही है दोस्तों। और इन स्ट्रक्चर में जो आप घोड़ी देख रहे हो, एक घोड़ी से दूसरी घोड़ी की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो अपने 15 फीट रखी है। सारी घोड़ी अपन ने 15-15 फीट पे डिस्टेंस पे ये घोड़ी रखी है। ये एक हाईटेक खेती है, इसके साथ अपन ने मल्चिंग का यूज़ किया, बारिश के टाइम में आप देख सकते हो ये मल्चिंग का यूज़ किया हुआ है, पूरा मल्चिंग पेपर अपन ने 25 माइक्रोन यूज किया है लौकी की खेती में। रीज़न ऐसा है दोस्तों कि लौकी की खेती 6 से 7 महीना चल सकती है, अभी थोड़ा हमने ये लौकी लेट लगाई है। अगर आज से अपन 1 महीना पहले भी लगा देते, जून जुलाई में भी लगा सकते थे अपन, अगर जून जुलाई में अपन लगाते तो बहुत शानदार प्रोडक्शन इसका निकलता। रीज़न ऐसा है कि अब थोड़ा लेट हो गए, कोई नब की बात ज़्यादा लगेंगे, बाकी इसकी खेती दोस्तों चलती है जब तक जनवरी तक, लोग बोलते चलती है इसकी खेती, बाकी मैंने भी जनवरी तक ली है। मेरा मानना तो ये है कि ये फरवरी भी ले सकता है, अगर पाला नहीं गिरे तो। पाला गिरने के बाद दूधी चली जाती है, और अपन ने अपने साथ में ये देखो आप ड्रिप लाइन का भी यूज किया है, जो आप देख सकते हो इसमें भी ये ड्रिप लाइन है, ये एक हाईटेक खेती में आता है ड्रिप लाइन भी, जो सारी अपने ड्रिप पे अपन ने पूरा किया हुआ है लौकी, जो घिया भी बोलते हैं दोस्तों। और इनकी हाइट अपन ने दोस्तों 6 फीट रखी हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। आगे वीडियो और जानकारी, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।